असलकुम रहमतों और बरकतों का महीना रमदान आने वाला है और उसके आने से पहले पहले हमें कुछ प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादात कर सकें और इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठा सकें इस सिलसिले की मेरी पहली एपिसोड है जिसमें मैं जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट बनाऊँगी हम इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और इसको फ्रीज करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं ये मैंने तकरीबन वन के जी जो है ये लहसुन ले लिया था इसके क्लोव्स को मैंने सेपरेट कर लिया है अब हम इनको छील लेंगे मेरे पास जो लहसुन है ये बड़े साइज़ का है तो ये आसानी से छीला गया था वरना तो लहसुन छीलने के डिफरेंट फेज़ हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से और जल्दी लहसुन छील सकते हैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको वो भी ज़रूर बताऊंगी ये देखिए मैंने सारा लहसुन छील लिया है अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी आपने खाने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करनी है आपने उसको हमेशा अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि हर तरह के जरासीम मट्टी गर्द धूल जो है वो उतर जाए ये मैंने इसको एक से दो पानी वॉश कर लिया था अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी लहसुन के बाद हम ले लेंगे अदरक ये भी तकरीबन वन के जी अदरक है इसको हम अच्छे तरीके से छील लेंगे ये आपकी चॉइस है आप इसको छुरी की मदद से भी छील सकते हैं चम्मच की मदद से भी छील सकते हैं या पीलर से भी इसको पील कर सकते हैं मैंने इनको छुरी की मदद से सारा जो है पील ऑफ कर लिया है फिर जहाँ पे ये ख़राब है या इसका कलर चेंज हो गया वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें रमज़ान में जब हम ये सारी प्रेपरेशन कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है वरना तो खातन का ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में गुजर जाता है जिसकी वजह से वो अपनी इबादत पर फोकस नहीं कर पाती हैं तो ये देखें जी मैंने अदरक को भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है अब हम इसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेंगे ये डिपेंड करता है कि आप जिस चीज़ में इनका पेस्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लें मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं ये देखें जी हमारा अदरक भी रेडी हो चुका है इसकी कटिंग करके इसको भी हम साइड पर रख देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए हमारा जिंजर और गार्लिक जो है वो गीला नहीं होना चाहिए चलें जी अब बारी आ जाती है ग्रीन चिलीज़ की मैंने यहाँ पे जो ग्रीन चिलीज़ यूज़ की हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हैं और बहुत ही तीखी हैं आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं मैंने इनकी डंडियाँ जो हैं वो सारी सेपरेट कर ली हैं अब इनको भी मैं टोकरी में डाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी वॉश करने के बाद अगर आप चाहें तो इनके छोटे छोटे पीसेस काट लें अदरवाइज़ ये इस तरह भी आराम से ग्राइंड हो जाती हैं मैंने इनके छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं ग्रीन चिलीज़ जो है नॉर्मली हाथों में बहुत ज़्यादा लगती हैं स्पेशली अगर ये तीखी हों तो मैंने इन्हें कैंची की मदद से कट कर लिया अब हम पेस्ट बना लेते हैं सबसे पहले मैं लहसुन का पेस्ट बना लूँगी लहसुन को अच्छे तरीके से मैंने ड्राई कर लिया था इनको वेट नहीं होना चाहिए अदरवाइज़ इनकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है इसके बाद इसमें मैंने दो से तीन टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है इससे भी इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी और हम अच्छे से इसको पीस भी लेंगे आप चाहें तो इसमें नमक भी आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं उससे इसकी शेल्फ़ लाइफ मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी और आप इसको काफ़ी अरसे तक फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं ये देखें कितना अच्छा पेस्ट रेडी हो गया है अब हम इसको जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह टैप टैप करने से जो भी एयर बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको साइड पे रख देते हैं और अपना जिंजर पेस्ट रेडी कर लेते हैं मैंने जिंजर जो काटा हुआ था वो शामिल कर दिया है और उसको अच्छे से ड्राई भी कर दिया है इसमें भी हम ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे ये सारा जिंजर इसमें भी नहीं आया अभी आधा बचा हुआ है मैं पहले इसको ब्लेंड करके इसके बाद वो भी ऐड कर दूँगी चलें जी इसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं अच्छा आप कोई भी गैजेट यूज़ कर सकते हैं इसका पेस्ट बनाने के लिए आप ब्लेंडर जार भी यूज़ कर सकते हैं आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं ये आपकी चॉइस है और आपकी अवेलेबिलिटी है ये देखें जी ये पीसा गया है अब इसमें काफ़ी स्पेस बन गई है मैं बाकी का जिंजर भी इसमें ऐड करके इसका भी पेस्ट बना लूँगी हमारी कुकिंग में ज़्यादातर टाइम हमारा जिंजर गार्लिक को छीलने बनाने और पेस्ट बनाने में वेस्ट हो जाता है ये बनाने से आपका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत कम हो जाएगा ये देखिए जी ये पूरा पेस्ट रेडी हो गया है इसको भी हम इसके जार में ट्रांसफ़र कर देंगे ये इस तरह आप तकरीबन दो से तीन महीने के लिए फ्रिज में इसको सेव कर सकते हैं और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसको क्यूब्स में फ्रीज भी कर सकते हैं और सिक्स मंथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं ये नहीं जी ये भी रेडी हो गया है और इसको भी मैं साइड पे रख देती हूँ और अब हम ग्रीन चिली पेस्ट बना लेते हैं ये जितनी भी ग्रीन चिलीज़ मैंने कट की थी इनको एक ही दफ़ा में हम इस जार में डाल देंगे ये देखें जी मैंने सारी शामिल कर दी हैं अब, अब मैं इसमें भी ऑलिव ऑयल डाल दूँगी आप देख लीजिए कि आपको कितना ऑलिव ऑयल रिक्वायर्ड है दो से तीन चम्मच तो आप डालिएगा अगर आपको लगे कि आपसे सही नहीं ग्राइंड हो रहा तो आप इसमें एक से दो चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं अब मैं ग्रीन चिलीज़ का भी पेस्ट बना लूँगी हम अपनी कुकिंग में जिंजर गार्लिक पेस्ट तो ज़रूर यूज़ करते हैं लेकिन आप ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड करके देखिएगा उसका जायका बहुत ही अच्छा आ जाता है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है यह देखें जी हमारी बहुत ही तीखी चिली पेस्ट रेडी हो चुकी है इसको भी हम जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं एक से दो दफ़ा टैप टैप करेंगे और इसका भी ढक्कन बंद करके इसको साइड पर रख देंगे ये जी हमारी तीनों पेस्ट रेडी हो चुकी हैं इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अनियन पेस्ट और टोमेटो पेस्ट बनाना बताऊंगी इस तरह हमारा काफ़ी टाइम जो है वो बच जाया करेगा ये नहीं जी अब हम इनको लेबल कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि जिंजर कौन सा है गार्लिक कौन सा है मैंने इनको प्रिंट आउट करके पेस्ट कर दिया है अगर आप भी चाहें तो इनको पेस्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें अगर आप, आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी मोल्ड में इनको फ्रीज़ कर सकते हैं मेरे पास जो है ये अंडों की एक ट्रे थी मैंने इसको एज़ अ मोल्ड यूज़ किया है ये बहुत ही अच्छे साइज़ के इसमें क्यूब्स बन जाते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इससे क्यूब्स बना लिए थे इससे ज़रा नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स बनते हैं ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं तो मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगती है और आप मेरी बहुत सी वीडियोज़ में इस ट्रे को यूज़ होता देखेंगे जिंजर की तरह मैंने गार्लिक के भी इसी तरह क्यूब्स बना लिए हैं और चूंकि मेरी ग्रीन चिलीज़ बहुत ही स्पाइसी थी तो मैं उनके इतने बड़े क्यूब्स नहीं बनाऊंगी मैंने नॉर्मल अपनी फ्रिज की आइस ट्रे यूज़ की थी और ये एक मोल्ड यूज़ किया था ये मेरे पास चॉकलेट मोल्ड पड़ा हुआ था इसको भी यूज़ कर लिया है इसका भी साइज़ बहुत ही नॉर्मल सा है अब ये आपकी चॉइस है कि आप इनको फ्रेश ही फ्रिज में रख के यूज़ करना चाहते हैं या आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं ये टोटली आपकी चॉइस है इसको भी मैं जिप लॉक बैग में डाल दूँगी और इसको फ्रीज़ कर दूँगी ये माशाल्लाह जी मेरा पूरे रमदान के लिए जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट रेडी हो चुका है अब मैं बाकी अपने पेस्ट रेडी करूँगी और आपसे शेयर करूँगी अब आप भी अपने रमदान प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा हैव अ नाइस डे टेक केयर अल्लाह हाफिज़